हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का एंटी माइक्रोबियल चैप्टर से क्वेश्चन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉसेस ए प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा ड्रग है जिसका हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो ए प्लास्टिक एनीमिया होना अनिवार्य है। ठीक है, तो एप्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का एनीमिया है जिसमें पर्याप्त मात्रा में आरबीसी नहीं बन पाता बॉडी के लिए। जितना आरबीसी चाहिए बॉडी में उतना आरबीसी नहीं बन पाता, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। तो कौन सा ऐसा ड्रग है? ठीक है, चारों के चारों देखिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट ही है, एंटीबायोटिक है। तो मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी एमाइनोग्लाइकोसाइड्स या फिर ऑप्शन डी क्लोरेनफेनिकोल। सो वाट विल बी द राइट आंसर? बहुत लोग इसका आंसर जानते होंगे आई थिंक। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी क्लोरेनफेनिकोल। ठीक है, क्लोरेनफेनिकोल एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे एंटीबायोटिक जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पे काम करे। ठीक है, अलग अलग माइक्रोब्स पे काम करे, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया पे काम ना करके अलग अलग कई प्रकार के बैक्टीरिया पे काम करता है। ठीक है, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक पे काम करते हैं उसको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। अगर सपोज इसको हम लेते हैं बॉडी पे, तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो हमारे गट पे इंटेस्टाइन पे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको भी ये किल कर देता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को कब चलाया जाता है? जब पर्टिकुलर कोई डिजीज हमको पता ना हो, जैसे कि अभी कोविड का एग्जाम्पल लें हम। कोविड के टाइम में डॉक्सीसाइक्लिन चला रहे थे ड्रग, आपने सुना होगा डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल चल रहा था। ठीक है, दो बार दिन में बीडी चल रहा था, तो वो डॉक्सीसाइक्लिन भी एक प्रकार का क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। जब हमको ट्रीटमेंट ऑप्शन कुछ ना हो, हमको पता ना हो कि इसको कैसे किल करना है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उस टाइम चला दिया जाता है। तो क्लोरेनफेनिकोल भी एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोकता है। जो भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी पे इंटर किया है, जो भी बैक्टीरिया, उस पर प्रोटीन सिंथेसिस होना है, तभी तो वो मल्टीप्लाई होगा और हमको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा इन्फेक्शन, तो उस पर प्रोटीन सिंथेसिस होना उसके लिए जरूरी है। तो उस प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोकता है बाय बाइंडिंग विद 50S राइबोसोम। ठीक है, 50S आप याद रखिए, बाय बाइंडिंग विद 50S राइबोसोमल सब यूनिट। देखिए, राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं 30 और 50। तो कुछ एंटीबायोटिक 30 पे बाइंड करते हैं, कुछ 50 पे बाइंड करते हैं। तो ये जो क्लोरेनफेनिकोल है वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करते हैं। अब इसका भी एक ट्रिक है, जब मैंने इसको याद किया था तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ही 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करते हैं। और जितने भी अलग एंटीबायोटिक है, ऑल अदर ठीक है, ये कितने में बाइंड करेंगे? 50S राइबोसोम। ठीक, तो अब इसको याद कैसे रखें हम? देखिए, ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं वो कुछ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनका एप्लीकेशन चार्ज कम लगता है। ठीक है, तो ST ₹30 लग रहा है, फिर जितने भी अदर कैटेगरी हैं वो ₹50 लग रहा है। ठीक, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करते हैं, और जितने भी अदर एंटीबायोटिक्स हैं वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करके काम अपना करते हैं। ठीक है, तो क्लोरेनफेनिकोल को भी मैंने अदर कैटेगरी में रखा था, तो इसका एक्सर हो जाएगा 50S राइबोसोम का बाइंड करके अपना काम करेगा। ठीक है, क्लोरेनफेनिकोल। अब क्लोरेनफेनिकोल से जुड़े कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म तो क्लियर हो गया आप लोग को कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। अब इसका हम देख लेते हैं सोर्स क्या है, कहां से निकलता है, कौन से माइक्रोब से। इसका जो सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। ठीक है, एक नेचुरल ऑकरिंग एंटीबायोटिक है जो कि हमको मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। अभी इसको लैब में भी सिंथेसाइज किया जा रहा है ताकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, बट ओरिजिनली ये निकलेगा स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले, आ चुका है GPAT में। ठीक है, और अदर एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। और इसका यूजेस और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये ज़्यादा फेमस है एडवर्स इफेक्ट के लिए अपने, जैसे कि ये प्लास्टिक एनीमिया भी ये देख लिए हम। ठीक है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन इसका मेजर साइड इफेक्ट है। ठीक है, इसके चलते ए प्लास्टिक एनीमिया होना, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, इस टाइप के डिजीज होते हैं। देन इसका मेजर और एक बहुत फेमस साइड इफेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम।
आपने सुना होगा ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। बहुत बार इससे भी क्वेश्चन आता है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम एक प्रकार का इन्फेंट में होने वाला डिजीज है, डिसऑर्डर है। क्या होता है इसमें, बेबी जो है अगर क्लोरीफेनिकोल का हम हाई डोज दे दिए इन्फेंट्स में तो वो खाना बंद कर देगा, मतलब फीडिंग बंद कर देता है, उसको एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस होगा, हार्ट उस पर जो है कॉलेप्स हो सकता है, डेथ हो सकता है, ठीक है, और ओवरऑल उसका टेक्सचर जो है ग्रेस हो जाएगा, वॉमिटिंग होगा उसको। तो उस प्रकार के अटैक कोस टाइप के सिंड्रोम को हम बोलेंगे ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो इसका एक मेजर एडवर्स इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट है, हमको इसको याद रखना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके यूजेस पे। तो यूजेस का इसका है टाइफॉइड फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस था, ठीक है, था मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले इसको यूज किया जाता है टाइफॉइड फीवर के लिए, बट अभी इसको हटा दिया गया है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हम देते हैं क्लोरीफेनिकोल की जगह सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं क्लोरीफेनिकोल का बताया था इसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है, इसमें टॉलरेंस भी जल्दी डेवलप कर लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल टॉलरेंस भी है, इसका टॉक्सिसिटी भी जल्दी हो जाता है, इसलिए क्लोरीफेनिकोल को हटा दिया गया है अब। और इसके अलावा जैसे कि इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस में ये यूजफुल है, ठीक है, एनारोबिक इन्फेक्शन है कुछ उस कैटेगरी में ये यूजफुल है। और इसका एक अभी जो मैं यूज़ बताऊँ जो आपने देखा होगा, तो इस प्रकार का देख सकते हैं आप, तो कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस के केस में इस प्रकार का देखिए ऑइंटमेंट आता है, ठीक है, आई ऑइंटमेंट बोलते हैं क्लोरीफेनिकोल आई ऑइंटमेंट। तो ये जो ऑइंटमेंट है ये ही इसका मैं बोलूँ टॉपिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, ईयर में उसी प्रकार इन्फेक्शन हो रहा है एक्सटर्नल ईयर में तो उसमें भी ये यूजफुल है। तो ऑक्यूलर एक्शन इसका अच्छा है, एक्सटर्नल ईयर के इन्फेक्शन के केस में इसका अच्छा यूज है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरीफेनिकोल। आई होप आप लोग को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, क्लोरीफेनिकोल से जुड़े जो फैक्ट हैं वो आपको याद रहे, ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।